जो भी फाइल बच्चे की लगनी है, बच्चा सामने बैठ जाए, कोले बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन घुमा के उसके सामने अपने पेरेंट्स नूं नाल लेके आवे, पूरा दिन कढ़ के आवे, तो कोले बैठ के सारी एप्लीकेशन आपकी करवावे। जिवें तुहानूं पता कि 700 बच्चा डिपोर्ट होने की कगार ते केरल दे विच, उन्हां दी गलती की है? हम पुछदे हां कि जी उन्हां दी की गलती, उहदे एजेंट ने गलत करता इन्हां दी। मैं मानदा बच्चे की गलती इन्नी का सिर्फ कि उन्हें ध्यान नहीं दिता। कोई भी कंसल्टेंट फाइल आ रहा है, SOP कॉपी पेस्ट होंदी है, कॉपी पेस्ट करके SOP बच्चे नूं चेक भी नहीं करवाई जाती, सभी फाइल आ जाती है जिहदे करके रिफ्यूजल आउंदी है। इसे करके कहने कि बच्चा पहला कोले बैठ जावे, सामने बैठ के सारी फाइल लवावे, कल्ली कल्ली किसी चीज खुद चेक करे, फिर मेरे नाल बैठे, मैं खुद बैठूंगा उस बच्चे नाल, कोले बैठ के सारी फाइल चेक करवाऊंगा, फिर अपनी फाइल लवाऊंगा। पहला साडी UFO फाउंडेशन है, UFO फाउंडेशन चो निकल के साडे दफ्तर निकलदे आ। अच्छा। शुरू इस करके कीती सी कि जदों कोई संस्था चलदी है ओह पर्चियां कट्टण लग जांदे, दान लैण लग जांदे। आपां नूं गलत नहीं कहिंदे, पर असीं किसे भी किस्म दा दान या डोनेशन नहीं एक्सेप्ट करदे। प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कह सकदे असीं कि मैं आपदे घर दे विच पैसे लेके जांदा या मैं आप कमाई करदा, इह गल ठीक नहीं है। आपकी कमाई मैं ये कुछ नहीं करता, आम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर मेरी बुक्स लिखदियां ने, पर जो सू कमीशन आना या कॉलेज ने सू कुछ भी पे आउट करना, वह सू चंकी अमाउंट पे करना किसी भी होर बिजनेस के कंपेरिजन, तो असी सा खोलन का मकसद है कि सू पैसा इकट्ठा हो फॉर वट फॉर UFO फाउंडेशन, ताकि असं दान कर सकी, असं जंगल बना सकी, असं इनवायरमेंटली काम कर सकी। इनवायरमेंट के बई जी असी मोर दैन 10 लाख तो वध प्लांट्स पूरे पंजाब दे विच लगा चुके हैं करंटली 2 सालों के। एक साडा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है UFO नैशनल पार्क, तुसीं इंस्टाग्राम पर जाओगे, स्पीकर सिंह पर जाओगे, तुहानूं पता लगेगा कि UFO नैशनल पार्क एक जंगल बन रहा पंजाब के बिल्कुल सेंटर च, कड़ियाल पिंड दे विच, जिला मोगा। पता भी लग्या कि जिहड़ी एक UFO संस्था भी चलाने, फाउंडेशन चलाने, भी जिहड़े बच्चे बाहर जाना चाहते हैं IELTS PT करन दे, कोई नहीं पैसे के, तुसीं उन्हां नूं फ्री भी कराने हो? हाँ जी बिल्कुल, जिहड़े भी बच्चे ने अपनी कैनेडा दी, UK दी, आस्ट्रेलिया दी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन करनी है, सब तो वड्डी सलाह है जानकारी, अवेयरनेस अपने आप च लियाओ कि मैं जानना चाहुंदा कि फाइल लगदी किद्दां है। ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਤਾਹੀ ਮੰਨਦੇ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ, UK ਦੀ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਮਬੈਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ ਜੀ, ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਢਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਚਾ 700 ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਲੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਊਗੀ, SDS ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦਾ, 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ UFO ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ UFO ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ,
वह सारिया शंकावां नूं दूर करते हैं। साढ़े नाल इत्थों दे एम डी यूएलओ फाउंडेशन के भी फाउंडर साढ़े नाल हरकीरत सिंह मौजूद ने, गलबात करते हैं। सर, यूएलओ फाउंडेशन तुसीं बहुत लंबे समय तो चला रहे हो, एन जी ओ बड़े वधिया वधिया तुसीं काम कर रहे हो, जदों हुण तुसीं इस इंडस्ट्री की आपां गल करते हैं, इमीग्रेशन इंडस्ट्री खास तौर पर स्टूडेंट वीजे की, बहुत बच्चे बाहर जाते हैं, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇ, 4-5 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਕਰਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 700 ਬੱਚਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਲੀ ਆ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ, ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਵੇ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੈਠੂੰਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਤਾਹੀ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ? ਬੱਚਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਕੋਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਆ ਰਿਹਾ, SOP ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ SOP ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਈਲ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰਸ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, SOP ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੈਨਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਐਲਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 12-94 ਫਾਰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਦਾ, ਲੱਭੋ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਦਾ 12-94 ਫਾਰਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ 12-94 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਅੱਜ ਏਜੰਟ ਕਰ ਆ, ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60% ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ
कानून बने हुए हैं अपना एज अ कंसल्टेंट एज अ स्टूडेंट अपना फर्ज आप कानूनों को समझिए उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन्स को समझिए उन्होंने गाइडेंस को समझिए और बिहाफ के उपर एप्लीकेशन करिए सो दैट की बेस्ट टू बेस्ट कोई सैटिंग भी होंगी है नहीं सैटिंग किसी तरीके की होंगी मैं साफ कह दिना क्योंकि जो भी कंसल्टेंट को सुनने मिलता है कि वीजा वीजा अफसर के जितने वीजा लगना वैसे एक भी बंदा कह दे जी की साड़ी सैटिंग है मैं उन्होंने कहूँगा साबित कर दे तो मैं वह देनदार हाँ मेरे वालों 10 लाख रुपए का नाम है उस बंद जो गल कह दूंगा कि जी मेरी एम्बेसी सैटिंग है तो मैं वीजा कढ़ा दूंगा जो बंद यह गल कहता कि आ फाइल मेरे को 100% वीजा कढ़ा दूंगा उदो भी 10 लाख अजकल जी होर चल रहे हैं कि जी फाइल है वो कनेडा के वकील ने लगाई है देखो जी एप्लीकेशन रीप्रजेंटेशन ज्यादातर बच्चे तो होंगी जो पंजाब च कैनेडा का वकील आ या कोई भी IRCC लॉयर आ कोई भी बंदा वा ठीक है वह लगा सकता थोड़ी एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पैना ये गल समझ के चलो क्योंकि एप्लीकेशन जो बच्चे ने आप लगा रहा वो अंबैसी ने अपने रूल देखने हैं अंबैसी ने अपने लॉ देखने हैं कि मैं इस प्रोफाइल को किस तरीके वीजा देना दैट इज वट इट मैटर यही चीज जरूरी है जो बच्चा अपनी एप्लीकेशन प्रोफाइल देखूगा प्रोफाइल वधिया बना के चंगी रिप्रजेंटेशन करूगा खुद SOP पढ़ूगा खुद अंबैसी फॉर्म फैमिली फॉर्म सारा कुछ खुद बैठ के करूगा उन्होंने ज्यादातर वीजा मिलेगा पर यह गल कहना कि 100% वीजा मिल जूगा यह सब तो व्डा झूठ है जो मार्केट के चल रहा जो बंदा भी यह गल कहता वो मेरे को ले आओ हूँ क्या स्टाम पेपर तो लेके देना 100% वीजा आऊगा मैं तो ना यह कहना कि 100% आऊगा ना मैं यह कहना 50% आऊगा ना मैं 10% आऊगा मैनू नहीं पता किन्ने परसेंट आऊगा पर मैनू कानून का पता कि किन्ने परसेंट कानून के हिसाब से फाइल ला दूंगा यह मैं तुम्हें जरूर दस सकता कि थोड़ी प्रोफाइल के हिसाब से 100% कानूनी तौर पर थोड़ी फाइल लगती है कि नहीं लगती कि 100% कानून के विच तुहाडी फाइल हैगी है कि नहीं हैगी तुसीं ला सकते कि नहीं ला सकते पर वीजा कहना यह सब तो वड्डा झूठ है इस इंडस्ट्री का बच्चा डिपोर्ट होने की तादाद बहुत हालाला मची हुई है पुलिस भी अपना काम कर रही है एक्चुअल दे विच गेम की सी ओ होया की बच्चिया दे नाल देखो एक कंसल्टेंट कोल बच्चे जांदे आ अनअवेयर बच्चे आ ज्ञान नहीं हैगा बच्चे चले जांदे आ सानू कैनेडा भेज दो फाइलां दे दित्तियां फाइलां देण तों बाद जो बच्चा अपनी एप्लीकेशन करता उन्होंने फेक ऑफर लैटर कढ़ के दे दित्ती जांदी अपने वल्लों कढ़ती कुछ कढ़ती हुण ओह फेक ऑफर लैटर ते एजेंट ने जुआ खेडिया कि वीजा आ गया पैसे ले लांगे बस दैट्स इट जुआ खेडिया वीजे आ गए बच्चा 700 चला भी गया ठीक है ना तो यह चीज़ कंसल्टेंट ने देखी कि उहदे बच्चे दा भविष्य कित्ता खराब होगा उन्हें पता ही नहीं अंबैसी ने भी नहीं चैक की अंबैसी ने वीजा देता अंबैसी की भी गलती है इमीग्रेशन ने नहीं चैक की कैनेडा पहुंचते सार उन्होंने भी गलती है एंड जो ये सारिया चीज़ा होने तो बाद बच्चा उत्थे पहुंच जाता कंसल्टेंट कहता जी इस कॉलेज तुहाडियां सीटां बुक हो गई तुसीं कॉलेज चेंज कर लो हुण जो बच्चे ने PR एप्लीकेशन की है तो उत्थे जाके जो इनक्वायरी आती है जो देखते हैं सारा बैकग्राउंड चैक करते उत्थे निकलिया कि जो पहली ऑफर लैटर जी इन्होंने लाण लगे की ऑफर लैटर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इस करके बच्चे डेपुटेशन कर रहे हो इस करके बच्चे डिपोर्ट कर रहे हैं कि तुम मिसरीप्रजेंट एक भी शब्द तुम फाइल झूठ बोलते हो एक भी वर्ड एक भी थिंग कोई भी टिक क्रॉस कोई भी चीज़ फाइल च गलत करते हो झूठ के आधार पर करते हो अंबैसी पता लगता तो केस मिसरीप्रजेंट मैं चलो मान लो मैं फाइल लगानी है अपनी मैं इतने ऑफिस के आया मैं ऑफर लैटर दे देती मैं वो किस तरह चेक कर सकता हूं भी ओरिजिनल देखो हर ऑफर लेटर दे उपर जी पहली गल कंसल्टेंट दा नाम होना चाहिए हर ऑफर लेटर दे उपर तुहाडा नाम तुहाडा एड्रेस होगा हर ऑफर लैटर से तुहाडे कॉलेज के काउंसलर का नाम होगा वह नंबर होगा वो ईमेल ID होगी एंड उन्होंने कॉल करो उन्होंने रिटर्न ईमेल करो कि जी मेरी ऑफर लैटर जेनुअन नहीं सारा कुछ ऑनलाइन मिल जाता तुम एप्लीकेशन अजकल तो वैसे होर सौखा हो गया हर कॉलेज ने अपने अपने स्टूडेंट IDs देनी शुरू कर दी स्टूडेंट ID तो पता लग जाता कि बच्चा इनरोल्ड है कि नहीं इनरोल्ड दूसरी वीड्डी गल जो पता करना ही है हर बंद के रिश्तेदार हर शहर के बैठे है कैनेडा की गल करिए सरी जावड़ो तुम वैनकूवर जावड़ो तुम टोरंटो जावड़ो किसी भी शहर जावड़ो रिश्तेदार को कहो कि कॉलेज जाके पता कर लो एप्लीकेशन ID बच्चा है कि नहीं है वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है असं ये चीज़ साबित करांगे जिहड़े बच्चे की ऑफर लैटर आ रही है ओरिजिनल आ रही है सरकारी कॉलेज होवे प्राइवेट कॉलेज होवे जो भी है प्रेफरेंस सरकारी कॉलेज होगी SDS कैटेगरी साडी प्रेफरेंस होगी बट हर कोशिश यही है कि बच्चे का जेनुअन काम किया बाकी जो फाइल लगनी बच्चे ने सामने बैठ के सारा कुछ देख लिया भाजी जिस तरह कैनेडा की गल होंदी है कि IELTS बच्चे करते हैं नॉर्मल तौर पर 6 मिनट लेने हैं नॉट लैस दैन 6 लेने हैं PTE ते भी बहुत सवाल होंगे कि PTE असी करिए कि ना करिए कि कैनेडा PTE नूं एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता देखो जी इस ते क्लैरिटी थोड़ी बच्चों दे दो कानूनी तौर पर जे आप कही PTE की एप्लीकेशन करनी है तो PTE की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी है पर जी थोड़ी फाइल लगनी है नॉन SDS कैटेगरी एंड नौ दो कैटेगरीज है SDS एंड नॉन SDS जो PTE ते फाइल लग गई डुलिंगो ते लग गई तुहाडे IELTS तो 6 ओवरऑल ते 6 ईच नहीं है या कोई भी तुहाडी शर्त टुटदी है इन्हां दे विचों या तुहाडे कोल DLA नंबर नहीं हैगा कॉलेज दे कोले या तुसीं साल दी फीस नहीं भर रहे तुहाडी कैटेगरी ऑटोमैटिकली नॉन SDS हो जानी है नॉन SDS दे विच वीजा सक्सैस रेट थोड़ा जिहा घट आ इन कंपैरिजन टू SDS कैटेगरी हाँ PTE ते वीजा जरूर आ सकता है कानूनी तौर पर आ सकता है बट आउंदा बहुत घट है अज दी डेट दे विच आ जांदे ये नहीं कहिंदे कि सारे रिफ्यूज होंदे ये नहीं कहिंदे कि सारे वीजे होंदे
आता जरूर है पर फाइल तोड़ी नॉन एस डी एस रही है जो तुम एस डी एस कैटेगरी जाना ज्यादा चांसिस अपने वधाने तो तुम 6-6 band एक साल की फीस से जी आई सी 10,000 आई प्रैफर कर दो बिल्कुल कैनेडा के लिए मैं आई हाँ जीपीटी करके आस्ट्रेलिया जाना यूके जाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेसिक टेस्ट है कैनेडा ने उन्होंने एस डी एस कैटेगरी च मानत नहीं दी पर उन्होंने मानत जरूर दी है एप्लीकेशन करने वास्ते एसडीएस कैटेगरी वास्ते आईएलटीएस मास्टर जिस तरह सर मैं इत्थे तुहाडे चलो ऑफिस आया सी मैनूं इत्थे पता भी लग गया कि तुसीं जिहड़ी एक यूएलओ संस्था भी चलाउंदे हो फाउंडेशन चलाउंदे हो भी जिहड़े बच्चे बाहर जाना चाहुंदे आ आईएलटीएस पीटी करन दे कोल नहीं पैसे के तुसीं उहनां नूं फ्री भी कराउंदे हो हां जी बिल्कुल साडे कोल बेसिकली हुंदा कि जिहड़ा बच्चा पैसे दे सकदा कोई प्रॉब्लम नहीं साडे कोल आ जाए कोई उच्च कंडीशन नहीं कोई कहिंदे डॉक्यूमेंट रखांगे आ रखांगे कोई रखांगे सानूं सबूत चाहिदा कि तुहाडी फाइनैंशियल कंडीशन नहीं है चाहे सरपंच तों लिखा के ले आओ चाहे कोई मैंबर तों लिखा के दे आओ 2-4, 5 बच्चे, 10 बच्चे एडे ऑफिस च फ्री भी पढ़ लैणगे तां कोई एड्डी पढ़ाई की गल करिए आईएलटीएस पीटी दे ते उच कोई दिक्कत नहीं है वैसे भाई यूएलओ फाउंडेशन तुसी जो शुरू कीती सीगी की सोच के शुरू कीती देखो यूएलओ फाउंडेशन बेसिकली साडा यूएलओ एजुकेशन तो पहला दा प्रोडक्ट है जी असीं कहिए कि असीं काम कीता पैसे कमा के शुरू कीती नहीं ये गल झूठी है पहला साडी यूएलओ फाउंडेशन यूएलओ फाउंडेशन चो निकल के साडे दफ्तर निकलदे आ शुरू इस करके कीती सी कि जदों कोई संस्था चलदी है पर्चियां कट्टन लग जांदे दान लैण लग जांदे आपां नूं गलत नहीं कहिंदे पर असीं किसी भी किस्म दा दान या डोनेशन नहीं एक्सेप्ट करदे असीं की करदे आ कि आपनी यूएलओ एजु फाउंडेशन वल्लों असी दफ्तर खोल रखे हैं चाहे वो इमीग्रेशन का काम हो आयल्स का काम हो डिजिटल मार्केटिंग का काम हो सा 7-8 companies है वो कंपनीज तो जो भी सानू कमाई होंगी है सारी की सारी असी यूएलओ फाउंडेशन दिने जिते असी एनवायरमेंटली वर्क करते हैं भाई फिर तुसी बिजनेस करते हो कि तुसी सोशल वर्क करते हो देखो बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कह सकते असं कह कि मैं आपके घर के पैसे लेके जाना या मैं आप कमाई करदा ये गल झूठी है आपकी कमाई मैं ये कुछ नहीं करता आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर मेरी बुक्स लिखदियां ने दैट इज़ माई मेन बिजनेस जो मैं करदा जिथों मेरी घर की रोटी चलती है बट यूएलओ की मैं गल करा यूएलओ फाउंडेशन के असं एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर रीप्रजेंट कर रहे हैं जस्ट टू रेज द फंड्स फॉर यूएलओ फाउंडेशन असं यूएलओ एजुकेशन या यूएलओ यस मीडिया वर्गियां कंपनीज चला रखी तो भाई जिस तरह फिर यूएलओ फाउंडेशन तुसीं इमीग्रेशन का काम शुरू किया क्यों लगे भी तुहानूं भी इमीग्रेशन का काम शुरू करना चाहिए सिंपल जी गल करता पैसा हुण असीं बच्चे तो फीस नहीं लेंदे चलो कोई गल नहीं इमी फाइल लवाउण दी फीस नहीं लेंदे पर जदों सानू कमिशन आना या कॉलेज ने सानू कुछ भी पे आउट करना वो सानू चंगी अमाउंट च पे करना किसी भी होर बिजनेस दे कंपैरिजन तां असीं साडा खोलण दा मकसद इह कि सानू पैसा इकट्ठा होवे फॉर वट फॉर यूएलओ फाउंडेशन ताकि असीं दान कर सकीए असीं जंगल बना सकीए असीं इनवायरमेंटली काम कर सकीए तां फंडिंग दी लोड़ सी फंडिंग सब तो वधिया इसे बिजनेस हुंदी है जे तुसीं जायज़ तरीके नाल वी करी जाओ फिर भी बहुत पैसा पर जिहड़ा नजायज़ करदे हो तां इक वखरा विशा कि मतलब तुसीं कह लो कि करोड़ां अरबां रुपये इकट्ठा करी जांदे इक वखरा विशा साडा जो सिस्टम आ ओह है कि असीं फंड रेज़ करन वास्ते कीता सी इसे करके इमीग्रेशन लाइन दे विच असीं आए हां कि चलो पहली गल तां इंडिया चो असीं पैसा नहीं लै रहे लै वी ओ रहे हां जिहड़ा सानूं बाहरों आउणा साडी इकोनमी दे विच ऐड ऑन नहीं होना वो चीज़ है ना तो वो चीज़ का भी सानू फायदा कितने ना कितने जाके तो इमीग्रेशन लाइन तो आए हैं क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आ जिस तो ज़्यादा असं प्रॉफिट जनरेट करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत होंगे यूएल एजुकेशन को एंड फीस असं बच्चे तो ना पहला लेने ना बाद चो लेने जो बच्चा आपके पैसे सारे आप ला रहा तो जो बच्चा पैसे आप ला रहा कॉलेज जाता उतो कमीशन पे आउट हों चंकी अमाउंट होंगी है जिस साडे खर्चे भी बहुत वधिया निकलते हैं प्रॉफिट्स भी कंपनी करती है एंड ईवन असं टैक्स भी प्रॉपर पे करते हैं यही है कि असं टैक्स फ्री हैं एज एन एनजीओ पहला टैक्स पे करते हैं फिर जो साडा पैसा बचता वो असं यूएलओ इनवायरमेंट के बई जी असी मोर दैन 10 lakh तो वध प्लांट्स पूरे पंजाब दे विच लगा चुके हैं करंटली 2 सालों के एक साडा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है यूएलओ नैशनल पार्क तुसी इंस्टाग्राम पर जाओगे स्पीकर सिंह पर जाओगे तुहानू पता लगेगा कि यूएलओ नैशनल पार्क एक जंगल बन रहा पंजाब के बिल्कुल सेंटर च कड़ियाल पिंड दे विच जिला मोगा जी ठीक है जिला मोगा मेरा खुद का पिंड है उहदे विच मैं अपनी जमीन नूं भी विच लगाया होया तो उत्थे असी एक नैशनल पार्क बना रहे हैं जिहदे विच हर 75 तो ज़्यादा कैटेगरीज़ के प्लांट्स उत्थे प्लांट चुके ने दरख्त लग रहे हैं एक बहुत वड्डा जंगल का साडा प्रोजेक्ट चल रहा है तो जिन्ना भी साडी इस टाइम इनकम वो सारी ज्यादातर यूएलओ नैशनल पार्क के विच इन्वेस्ट हो रही है एंड वो साडा मेन प्रोजेक्ट तुसी उत्थे भी आयो देखियो सारा किस तरीके दे नाल असी एस्टैब्लिश जी आखरी बच्चियां नूं की तुसी सलाह देना चाहोगे जिहड़े बच्चियां ने फाइलां लगानियां ने सोच रहे ने उन्हां नूं सलाह की देना चाहोगे भाई जी जिहड़े भी बच्चे ने अपनी कैनेडा दी यूके दी आस्ट्रेलिया दी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन करनी है सब तो वड्डी सलाह है जानकारी अवेयरनेस अपने आप च लियाओ कि मैं जानना चाहुंदा कि फाइल लगदी किद्दां है आओ यूएलओ मैं सिखा दूंगा मेरे को ले आजो कोले बैठ के सारी चीज़ देख लियो किस तरीके ने एप्लीकेशन लगती है यूट्यूब दे लिंक्स दे दूंगा अब सब तो इंपॉर्टेंट सलाह यही है कि अवेयर होकर अपनी एप्लीकेशन करो जानकारी लो कि कानून की कहता क्योंकि कल ना कल जो थोड़ा वीजा आ जाता उस देश का कानून मनना है उत्थे रहना उत्थे सैटल होना उत्थे अपने परिवार चलाना है तो कानून में समझो बैठ के सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ अवेयरनेस है फाइल लानी है कंसल्टेंट को कहो मैं कोले बह के लाऊंगा फाइल लानी है आयल्स करनी है कंसल्टेंट को कहो
सारा कुछ जी मैं कोले बह के करना, मैं एम्बेसी फॉर्म भी भर वेखना, मैं फैमिली फॉर्म भी देखना, मैं अपनी एसओपी भी खुद एडिट करूंगा, देखूंगा कोले बैठ के, कली कली चीज मैं अपलोड करवाऊंगा, कोले बैठ के एम्बेसी फीस पे करूंगा स्क्रीन वाल देख के। सब तो बड़ी एडवाइस मैं जी, बहुत धन्यवाद जी। तो जानकारी सब तो अहम रोल अदा करती है जो तुम फाइल लगानी है, जेकर तुम्हें जानकारी हैगी है तो तुम अपनी फाइल वधिया ढंग दे नाल लगा सकते हो, तो चांसिज भी बहुत ने कि तुहाडा वीजा भी आ जाए। तो होर अपडेट्स लई साडे नाल जुड़ो, कैमरामैन संदीप सिंह, सनमजीत सिंह भला, रोजाना स्पोक्समैन जीरा।